नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सब कैसे हैं? माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे और हम सब सुखी रहे, संपन्न रहे और स्वस्थ रहे। तो चलिए आज मैं आपको मनी प्लांट के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। इसे जानना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो दोस्तों मनी प्लांट आपको हर घर में मिल जाएगा, लेकिन आप इसे सही दिशा में रखें और सही तरीके से लगाएं तो मनी प्लांट का नाम मनी प्लांट है तो उसी तरह आपको पैसे की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों अगर हम मनी प्लांट में इस रंग का रिबन बांध देते हैं तो हमारे घर पैसे का कभी कमी नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कि मनी प्लांट को किस दिशा में रखना चाहिए और मनी प्लांट में कौन सा रंग का रिबन लगाने से मनी प्लांट में पैसे की कभी कमी घर में नहीं होने देती है और पैसे का फ्लोर बना रहता है। दोस्तों सभी के घरों में अक्सर आपने मनी प्लांट का पौधा देखा होगा। पौधा घर का शोभा तो बढ़ाता ही है, लेकिन साथ ही साथ धन समृद्धि भी बढ़ाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन वास्तुशास्त्र में मनी प्लांट का पौधा का एक अलग ही स्थान दिया गया है। वास्तुशास्त्र में इस प्लांट को गुड लक प्लांट भी कहा गया है। इससे घर में धन समृद्धि सभी कुछ बढ़ता है, लेकिन कई बार हम गलत दिशा में लगा देते हैं मनी प्लांट, तो इससे हमारे पैसे भी खर्च होने लगते हैं और विपरीत प्रभाव, उल्टा प्रभाव पड़ने लगता है। नकारात्मक एनर्जियां हावी हो जाती है, इसलिए मनी प्लांट जब भी लगाएं तो सही दिशा में लगाएं और सही जगह पर रखें। मनी प्लांट को अक्सर आपने घर, ऑफिस या शॉप पर लगा हुआ देखा होगा। मनी प्लांट का हरा रंग आंखों को सुकून देता है। अगर आप मनी प्लांट का पौधा घर में लगा के रखे हैं या ऑफिस में या शॉप में जहाँ भी रखे हैं, तो आपको उसे कैसे रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए जिससे कि वो आपको पूर्ण रूप से फल दे सके, धन दे सके और आपके रुके हुए कार्य बनने लगे या आपके बच्चे को प्रसिद्धि दिलाने में, बच्चों के जीवन को सुधारने में भी काफ़ी सहायक होता है ये मनी प्लांट। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर आपने मनी प्लांट का पौधा लगाया है तो उसे किस दिशा में रखना है और किस जगह पर रखना है और इसे कैसे रखना है। मनी प्लांट का पौधा हमेशा अग्नेय कोण में रखना चाहिए, यानी कि दक्षिण पूर्व में रखना चाहिए, साउथ ईस्ट में रखना चाहिए। अगर आप वहाँ रखें तो बहुत ही अच्छा शुभकारी फल देता है, नहीं तो आप पूर्व में दिशा में भी रख सकते हैं, ईस्ट में भी रख सकते हैं। अग्नेय कोण में मनी प्लांट इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि इस कोण के देवता गणेश जी हैं। यह सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से घर में सुख समृद्धि के साथ धन में बढ़ोतरी भी होती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी होता है। एक बात और, अग्नेय कोण में अगर आप मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं तो इससे आपका शुक्र भी मजबूत होता है। अगर आपका शुक्र मजबूत रहेगा तो घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य बढ़ता है। अग्नि कोण के प्रतिनिधि शुक्र करते हैं, इस वजह से इस दिशा में मनी प्लांट लगाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। वास्तु के अनुसार से भी मनी प्लांट को हमेशा घर के अंदर लगाना चाहिए। मनी प्लांट का पौधा सदैव ऊंचाई में रखें, इसे गिरता हुआ नहीं रखें। इसके बेल ऊपर की तरफ जाएगी, धरती से सदैव आसमान की तरफ जाएगी, तो उतना ही मान सम्मान और धन की प्राप्ति होगी आपको। अब आप जान लें कि मनी प्लांट को किस दिशा में नहीं रखना चाहिए। भूल कर भी मनी प्लांट को कभी भी ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं रखना चाहिए या लगाना चाहिए।
ऐसा करने से इसका प्रभाव विपरीत पड़ सकता है। लाभ के बदले धन हानि होती है, ऐसा करने से आर्थिक हानि हो सकती है तथा रिश्तों में तनाव भी आ सकते हैं। इसलिए मनी प्लांट लगाते समय इस बात का खास ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, अगर आप मनी प्लांट के पौधे में इस रंग का रिबन बांध देते हैं, अगर नहीं बांधा है तो ज़रूर बांध लीजिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनी प्लांट के पौधे में अगर हम इस रंग का रिबन बांध देते हैं तो आपके घर में दौलत की कमी कभी नहीं होगी, जितनी आप कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा होगी। जी हाँ दोस्तों, ये वास्तुशास्त्र के अनुसार से मैं बता रही हूँ। दोस्तों, अगर आप मनी प्लांट के पौधे में लाल रंग का रिबन बांध देते हैं तो आपके घर में इसका चमत्कार धीरे धीरे देखने को आपको मिलेगा, हर समस्या का अंत होगा, साथ ही साथ धन दौलत की वर्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको करना ये है कि मनी प्लांट का पौधा इस तरह से आपको लगाना है और जहाँ से मनी प्लांट का पत्ता दिख रहा है उस वहाँ पे आपको गमले के ऊपर, चाहे आप कांच का बर्तन लिए हैं उसमें मनी प्लांट लगाए हैं तो इस तरह से आपको ऊपर में रिबन बांध देना, वो भी रेड कलर का बांधना है। इस तरह से आपको लाल रिबन बांधना है। अगर आप इस काम को शुक्रवार के दिन करते हैं माँ लक्ष्मी के चरणों में रखकर, तो ये बहुत ही शुभ फल देगा, आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।